आज की एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष का की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। सोमवार तक ज्ञानवापी परिसर में खुदाई पर रोक रहेगी, ये कहना है सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट का। तो अब हम आपको यहां पे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए भी कहा है। तो रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, एक तरह से कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक राहत की खबर है और मुस्लिम पक्ष को थोड़ा झटका तो जरूर लगा है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? न कोई राहत है न कोई झटका लगा है। अब थोड़ा सा करेक्शन इसको ऐसे कर लीजिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक हफ्ते तक, चूंकि एएसआई ने कहा कि वहां पर कोई खुदाई का काम नहीं हो रहा है, इसलिए एक हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ता आपके पास समय है और मस्जिद पक्ष को आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद मस्जिद पक्ष की तरफ से बार बार ये मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट को रोक लगाना होगा, रोक लगाना चाहिए, और इस अगर लगा कोर्ट लगा भी सकता है इसलिए कि हाईकोर्ट इसके पहले भी एक मौके पर इस तरह के सर्वे पर रोक लगा चुका है। उसके बाद सुनवाई होती रही है, उसके बाद से अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो दिन के लिए हम वहां पर स्टेटस को का आदेश दे रहे हैं, मतलब ज्ञानवापी परिसर में स्टेटस को दो दिन के लिए बहाल रहेगा। वो इसलिए समय दिया गया है ताकि मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट का रुख कर सके। मस्जिद पक्ष की ये दलील थी बार बार कि चूंकि शुक्रवार को फैसला आया और उस फैसले के मुताबिक सोमवार यानी आज सवेरे 7 बजे से वहां पर सर्वे होना शुरू हो गया है। उनके तरफ से एक और बात कही गई कि वहां पर चूंकि एक दीवार गिराई जा चुकी है, इसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल जो एएसआई की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन या एएसआई से बात की और उसके बाद से कोर्ट जब दोबारा बैठी तो वहां पर उन्होंने कोर्ट को बताया कि वहां पर एक ईंट भी गिराई नहीं गई है। तो बार बार मुस्लिम पक्ष, बार बार मस्जिद पक्ष की तरफ से जब रिक्वेस्ट किया गया, अनुरोध किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पर दो दिन तक कोई काम नहीं होगा, स्टेटस को होगा। इस बीच में मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा, हाईकोर्ट तय करेगा, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट तय करेगा कि एएसआई का सर्वे होगा, जारी रहेगा या नहीं रहेगा। आपको पता है जिला जज का आदेश था जब मामला यहाँ, जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया था, आज जब थोड़ी देर पहले दौर की जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पूछा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। उस पर मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारे पास इतना समय नहीं था, शुक्रवार को शाम को फैसला आता है और उस फैसले के मुताबिक सोमवार को सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बार बार कहा कि इस सर्वे को थोड़ा और टाला जा सके ताकि हम हाईकोर्ट में अपील कर सके, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, मांग नहीं मानी गई। इन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और उसके बाद से स्टेटस को का आदेश दिया है, अगले दो दिन तक स्टेटस को है। इस बीच मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, हाईकोर्ट की सुनवाई से तय होगा कि एएसआई सर्वे का क्या होगा। चूंकि जिला जज के आदेश के खिलाफ जो अपीलेट न्यायालय है वो हाईकोर्ट है और यहाँ पर मस्जिद पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गया था। वो इसलिए आ गया था कि चूंकि यहाँ पर पहले से ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, यही दलील मस्जिद पक्ष की तरफ से दी गई। तो अभी की खबर यह है कि अगले दो दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगले दो दिन ज्ञानवापी परिसर में यथास्थिति बहाल रहेगी, स्टेटस को का आदेश है। इस बीच मुस्लिम पक्ष मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बाद ये तय होगा, हाईकोर्ट के सुनवाई, हाईकोर्ट के निर्देश, हाईकोर्ट के आदेश पर वो होगा, भविष्य तय होगा, निर्धारित होगा कि एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, यही एक क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर प्रभाकर कि देखिए एएसआई का सर्वे आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। अब क्योंकि इस मसले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगा, आपने कहा कि ना किसी को राहत है ना किसी को आहत है, किसी को कोई झटका नहीं है, लेकिन हम फिलहाल ये जानना चाहते हैं क्या ये जो सर्वे चल रहा है वो अभी चलता रहेगा या फिर इस पर भी स्टे। यथा स्थिति बहाल का मतलब है कि अब तक जो स्थिति थी वहां पर वो बरकरार रहेगी। मस्जिद पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि चूंकि वहां खुदाई जो निर्देश है एएसआई सर्वे का, में जो निर्देश है कोर्ट का, जिला जज का, उसमें है कि अगर जरूरत पड़े तो खुदाई भी होगी, और इसलिए जब सुनवाई शुरू हुई तो मस्जिद पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि वहां पर एएसआई ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है, एक दीवार गिरा दी है। उसके बाद से सीजेआई ने एएसआई के वकील जो हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको कहा कि आप पता कीजिए और स्थिति बताइए।
उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि कोई एक ईंट भी वहां से नहीं गिराई गई है, केवल मैपिंग हो रही है, सैटेलाइट इमेजिंग हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, वहां पर कोई इस तरह का तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई खुदाई नहीं हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल जो कि एएसआई की तरफ से पेश हो रहे थे, उनके इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ले लिया। मतलब ये कि बिल्कुल तो यथास्थिति अभी फिलहाल बरकरार है इस मामले में, ये सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे न्यूज 24।